नमस्कार, मैं साक्षी अमनस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। एनबीएफसी को आरबीआई से राहत। एनबीएफसी को आरबीआई से राहत, अब सरकार का इंतजार। नई दिल्ली गहरी मुसीबत में फंसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों। एनबीएफसी को राहत का पहला पैकेज मिल गया है। यह पैकेज भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ड्राफ्ट दिशा निर्देश के तौर पर दिया गया है, जिससे एनबीएफसी को संकट में पड़ने पर अतिरिक्त फंड उपलब्ध हो सकेगा। श्रीलंका आतंकी हमले के तार अब तमिलनाडु से जुड़े। कोलंबो, श्रीलंका में पिछले माह ईस्टर के मौके पर हुए आत्मघाती हमले के तार अब तमिलनाडु से जुड़ गए हैं। श्रीलंका के एक कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु ने दावा किया है तमिलनाडु के एक इस्लामिक संगठन ने श्रीलंकाई आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात एनटीजे को आतंकी हमले के लिए उकसाया था। हर नंदी नदी में ऑक्सीजन शून्य, जलीय जीव खतरे में। नोएडा, सहारनपुर की शिवालिका पहाड़ियों से निकलकर नोएडा होते हुए यमुना नदी में मिलने वाली हर नंदी का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। नदी के पानी में डीजल ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो गई है, इससे जलीय जीवों का जीवन खतरे में है। गाजियाबाद छिजारसी पुल से ग्रेटर नोएडा तक के पानी में मत्स्य प्रजाति के जीवों के जीवन की संभावना खत्म हो गई है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।